अनि विवाह भवन 0 mile NH 31 नवगछिया। शादी विवाह सालगिरह रिंग सेरेमनी जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारे। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वार ताकि अंदर से ले बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632 9534316464 8406949533 नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल। भारत सरकार ने NIC द्वारा निर्मित किस स्वदेशी मैसेजिंग ऐप को लॉन्च किया है? ए सेल्फी, बी संदेश, सी खिलौना या डी उपहार? वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। नवगछिया में टमाटर को लाल करने को लेकर किया जा रहा केमिकल का प्रयोग। अगर आप टमाटर खाने के शौकीन हैं तो हो जाइए सावधान, क्योंकि अगर आप लाल लाल टमाटर खाने की चाहत रखते हैं तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। इस तरह टमाटर को केमिकल के द्वारा लाल किया जा रहा है। मामला नवगछिया के रंगरा थाना क्षेत्र के मदरौनी का है, जहाँ की किसान अवधेश कुमार के द्वारा बाजार में ज्यादा कीमत पाने की चाहत को लेकर हरे टमाटर को केमिकल से लाल किया जा रहा है। केमिकल के प्रभाव से हरा टमाटर लाल हो जाता है। किसान की माने तो केमिकल के प्रभाव से टमाटर की खूबसूरती बढ़ती है और इसके कारण बाजार में टमाटर का दाम भी ज्यादा मिलता है। साथ ही किसान ने बताया कि केमिकल स्वास्थ्य के लिए कोई हानिकारक नहीं है, जबकि सभी जानते हैं कि खाद्य पदार्थों में केमिकल का प्रभाव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डालता है। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह मदरौनी में हरे टमाटर को लाल किया जा रहा है। कैसे चल रहा है टमाटर? अभी 13 रुपया चल रहा है। 13 रुपया चल रहा है, फायदा हो रहा है? फायदा हो रहा है। ये क्या कर रहे हैं? ये अभी दवाई मार रहा है। उसे क्या फायदा हो रहा है दवा मारने से? लाल करने के लिए। लाल करने के लिए मार्केट में अच्छा दाम मिले। क्यों लाल करते हैं? जल्दी दवाई मारेंगे, केमिकल से नहीं पकेगा, लाल होगा। अच्छा, दवाई बिना दवाई मारे इससे नहीं पकेगा। अच्छा, इसलिए दवा मार रहे हैं। तो उसमें टमाटर का क्या होता है फायदा? टमाटर खूबसूरती बढ़ जाता है, लाल होता है, वजन बढ़ता है। ऐसे जो है ना, अभी कच्चा है, इसमें वजन नहीं है, तो उसमें वजन भी आ जाता है, रंग पकड़ता है तो वजन नहीं आएगा। अच्छा, तो नुकसान भी करेगा ना लोगों को? नहीं, खाएगा तो नुकसान है, केमिकल है तो नुकसान करेगा ना? नहीं, कुछ नहीं। उसमें दवा दिए ना, कुछ तो नुकसान करेगा ना? कुछ नहीं, रंग पकड़ा है, नुकसान कुछ नहीं होगा। केमिकल तो नुकसान करता है। नहीं तो वो अभी दवा इसमें मारेंगे तो अभी खाएंगे तो कुछ नहीं होगा। अभी खाएंगे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आपका परिचय? अखिलेश कुमार। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां है आपके उत्सव मनाने का संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन। नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ जहां उपलब्ध है AC, नॉन AC कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, DC फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 mile नवगछिया भागलपुर। संपर्क करें 9661904817 7992499821।
नवगछिया 13 लाख चोरी मामले में उद्भेदन के करीब पहुंची नवगछिया पुलिस। एसपी ने कहा जल्द होगा उद्भेदन। नवगछिया बाजार के छोटी ठाकुरवाड़ी रोड के गणेश कॉम्प्लेक्स स्थित शुभम ज्वेलर्स में हुए 13 लाख के आभूषण चोरी मामले में पुलिस ने घटना की तत्काल पहुंच जाने का दावा किया है। जानकारी मिली है कि खोजी कुत्ते की निशानदेही और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान कर ली गई है। अब पुलिस चोरी किए गए सामानों की बरामदगी पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। जानकारी मिली है कि नवगछिया के एसपी ने एसडीपीओ दिलीप कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर उक्त कांड के उद्भेदन में लगाया है। सूत्रों ने बताया कि पुलिस संदिग्ध लोगों की गतिविधि और उनके मोबाइल से हो रही बातों का भी ध्यान रख रही है। संदिग्ध इलाके में पुलिस ने गुप्तचरों को भी लगा रखा है। मालूम हो कि गुरुवार को पुलिस ने इस कांड के एक संदिग्ध का मोबाइल भी जब्त किया है। सूत्र बता रहे हैं कि उक्त मोबाइल से पुलिस को कई सुराग मिले हैं। नवगछिया के एसपी सुशांत कुमार सरोज ने कहा कि जल्द ही चोरी की घटना का उद्भेदन कर लिया जाएगा और इसमें संलिप्त लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी। नवगछिया नई जगह पर सब्जी मंडी शिफ्ट कराए जाने को लेकर बैठक। नवगछिया स्टेशन रोड स्थित सब्जी मंडी को नई जगह पर शिफ्ट कराने को लेकर नवगछिया एसडीओ अखिलेश कुमार, एसडीपीओ दिलीप कुमार, आरपीएफ इंस्पेक्टर पीएस दुबे और नगछिया नगर पंचायत के मुख्य पार्षद प्रतिनिधि प्रेम सागर उर्फ डब्लू यादव मौजूद थे। पदाधिकारी के साथ बैठक कर प्रेम सागर उर्फ डब्लू यादव ने कहा कि शनिवार से सब्जी मंडी के लिए चिन्हित वैशाली होटल के पीछे वाली जमीन पुराना मछली हाट के लेवलिंग और इसके बाद ईट सोलिंग का काम किया जाएगा। इसके बाद दुकानदारों के लिए जमीन को अलग अलग हिस्से में बांट कर लेवलिंग किया जाएगा। फिर नवगछिया के अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा लॉटरी के माध्यम से सब्जी विक्रेताओं को दुकान का आवंटन किया जाएगा। फिर स्टेशन रोड से सब्जी मंडी को हटाकर नई जगह पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। डब्लू यादव ने कहा कि 1 सप्ताह 10 दिन में नई जगह पर सब्जी मंडी को शिफ्ट कर दिया जाएगा। मालूम हो कि स्टेशन रोड पर लग रहे जाम को देखते हुए प्रशासनिक पदाधिकारी ने इस तरह का निर्णय लिया है। सुंदरम अहुना मटन बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन नवगछिया स्टेशन चौक राजेंद्र कॉलोनी मोड़ नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। नवगछिया के बाल भारती विद्यालय में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन। बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन की नवगछिया शाखा के तत्वाधान में प्रादेशिक महामंत्री योगेश तुलसियान व संयुक्त महामंत्री घनश्याम अग्रवाल के अध्यक्षता में बाल भारती पोस्ट ऑफिस रोड में स्कूली बच्चों के बीच चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। उक्त प्रतियोगिता 3 ग्रुप में आयोजित की गयी, जिसमे ग्रुप ए विषय मेरा भारत महान में 12 बच्चों ने, ग्रुप बी विषय मेरे सपनों का भारत में 11 बच्चों ने तथा ग्रुप सी विषय आत्मनिर्भर भारत में 5 बच्चों ने भाग लिया। कुल 28 बच्चों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। निर्णायक मंडल में प्रादेशिक महामंत्री योगेश तुलसियान, संयुक्त महामंत्री घनश्याम अग्रवाल, बाल भारती विद्यालय के प्राचार्य नवनीत सिंह, प्रशासक डीपी सिंह सहित बाल भारती पोस्ट ऑफिस रोड के प्राचार्य मुरारी पंसारी ने काफी मेहनत व कुशल निर्णय द्वारा प्रतिभागियों को परखा व अवार्ड को घोषित किया। नवगछिया योगा प्रशिक्षक कोर्स का प्रमाण पत्र वितरण। भागलपुर जिला योगा संघ के तत्वाधान में योगा प्रशिक्षक सर्टिफिकेट कोर्स का आयोजन हाई स्कूल नवगछिया में नवंबर माह में आयोजित की गई थी। यह कोर्स 6 सप्ताह का था। भागलपुर जिला योग संघ के सचिव ज्ञान प्रकाश सिन्हा ने सभी प्रतिभागी को प्रमाण पत्र जारी किया है। वहीं नवगछिया हाई स्कूल में नवगछिया योगा एकेडमी के निर्देशक घनश्याम प्रसाद ने सभी प्रतिभागी को प्रमाण पत्र वितरित किया। निर्देशक घनश्याम प्रसाद ने बताया कि जिला योग संघ बिहार योगा संघ से अफिलिएटेड जिला इकाई है, जो खेल विभाग बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त है। योगा कोर्स में सफल प्रतिभागी का नाम इस प्रकार है, जिसमें मुनि कुमारी, जेम, संजय कुमार, सौरभ कुमार, अंकित कुमार, अनुराग कुमार, धर्मचंद्र भगत, रविंद्र कुमार, अवधेश कुमार, शिवम, राजेश मिश्रा, मोहम्मद नाजिम आदि मौजूद थे। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था, मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। बीहपुर चादर पोशी में उमड़ा जनसैलाब। बीहपुर प्रखंड के हरियो स्थित गुम्मा शाह रहमतुल्ला अलह के उर्स पर चादर पोशी के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। हजारों की संख्या में जायरीनों ने यहां चादर पोशी की। इस मजार का इतिहास वर्षों पुराना है। इस मजार को सामाजिक सौहार्द का
प्रतीक माना जाता है। सामाजिक नेता रेणु चौधरी के द्वारा चादर पोशी करने के बाद उन्होंने कहा कि प्रशासन को उर्स पर ध्यान देना चाहिए। नवगछिया, मैट्रिक परीक्षा की ड्यूटी से गायब 3 पुलिस पदाधिकारी निलंबित। मैट्रिक परीक्षा में परीक्षा केंद्र पर विधि व्यवस्था को लेकर तैनात किए गए 3 पुलिस पदाधिकारी को परीक्षा ड्यूटी से गायब पाए जाने पर नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने तीनों पुलिस पदाधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबित हुए पुलिस पदाधिकारी में SI हरिकिशोर सिंह, ASI राम सुदीन बैठा और हरियंद्र राम शामिल हैं। मालूम हो कि तीनों पुलिस पदाधिकारी की परीक्षा ड्यूटी मदन अहिल्या महिला महाविद्यालय परीक्षा केंद्र पर लगाई गई थी। परीक्षा के दौरान नवगछिया SP सुशांत कुमार सरोज परीक्षा केंद्र पर परीक्षा का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान SP मदन अहिल्या महिला महाविद्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पाया कि 3 पुलिस पदाधिकारी जिनकी परीक्षा के दौरान केंद्र पर ड्यूटी लगाई गई थी, वे तीनों पुलिस पदाधिकारी ड्यूटी से गायब थे। पुलिस पदाधिकारी के परीक्षा ड्यूटी से गायब पाने पर तीनों पुलिस पदाधिकारी के द्वारा कार्य में लापरवाही बरतने को लेकर कार्रवाई करते हुए तीनों को निलंबित कर दिया है। 10वीं-12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BTech, BCA, BBA पॉलिटेक्निक में ले नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680, 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। नवगछिया के साक्षी धर्मकांटा के पास से अपहृत बालक बरामद। नवगछिया थाना क्षेत्र के NH31 के साक्षी धर्मकांटा के समीप से अपराधियों द्वारा अपहरण किए गए बालक रंगरा ओपी के भवानीपुर निवासी झरोखी यादव के पुत्र अमन कुमार 13 वर्षीय को नवगछिया पुलिस ने बरामद कर लिया है। अमन की बरामदगी के बाद नवगछिया थाना अध्यक्ष शैलेश कुमार ने उसका वरीय पुलिस पदाधिकारी के समक्ष बयान दर्ज करवाया है। पुलिस पूछताछ में अमन ने बताया कि 17 फरवरी को पड़ोस के ही जदयू यादव के साथ उसकी मोटरसाइकिल पर बैठकर टावर चौक होते हुए मकनपुर चौक जा रहा था। इसी दौरान उसकी मोटरसाइकिल का पेट्रोल समाप्त हो गया। गाड़ी का पेट्रोल समाप्त होने के बाद जदयू यादव ने मुझे 100 रुपया दिया और कहा कि जाओ आगे चलकर पेट्रोल लेते आना। पैसे लेकर मैं पेट्रोल लेने के लिए वहां से NH31 पर बढ़ा तो देखा पीछे से अपाची मोटरसाइकिल पर 2 अपराधी आए और एक ने मुझे जबरदस्ती मोटरसाइकिल पर बैठा लिया और मुझे लेकर खगड़िया जिले के पसराहा लेकर चला गया। वहां से उन लोगों ने मेरे परिजन को फोन कर 15 लाख रुपए की फिरौती मांग की। फिरौती की रकम नहीं देने पर मेरे परिजनों को मेरी हत्या कर फेंक देने की धमकी दी। उन्होंने कहा कि 18 फरवरी को वे लोग मुझे पसराहा के बाजार में लेकर गए, जहां से मौका पाकर वहां से भाग गया। फिर बस से मैं नवगछिया 0 माइल पहुंचा, वहां से फिर मैं बटगामा चला गया। बटगामा से मैंने अपने परिजन को फोन किया। इसके बाद परिजन साथ नवगछिया पुलिस आई और मुझे यहां लाई। मालूम हो कि गुरुवार की देर रात जदयू यादव के द्वारा अपहरण का आवेदन नवगछिया थाने में दिया गया, जिसमें गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा अमन का अपहरण करने का आरोप लगाया गया। नवगछिया पुलिस को बालक के अपहरण की जानकारी मिलते ही अमन की बरामदगी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी गई। नवगछिया SDPO दिलीप कुमार ने बताया कि बालक से की गई पूछताछ से प्रथम दृष्टया मामला अपहरण का लग रहा है। पैसे को लेकर अपहरण की बात बालक द्वारा बताई जा रही है। पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। जल्द ही पूरे मामले का उद्भेदन कर दिया जाएगा। नवगछिया, बिजली बिल बकायेदारों का नवगछिया में काटा जा रहा बिजली कनेक्शन। इस माह 1592 लोगों की काटी गई बिजली। बिजली विभाग द्वारा पूरे नवगछिया प्रमंडल क्षेत्र में बिजली बिल बकायेदारों का बिजली कनेक्शन काटने का अभियान लगातार जारी है। उक्त जानकारी विद्युत आपूर्ति प्रमंडल नवगछिया के कार्यपालक अभियंता इंदु भूषण कुमार कश्यप ने देते हुए बताया कि विभागीय निर्देशानुसार 2 माह से बकाया बिजली बिल बकायेदारों का बिजली कनेक्शन काटा जा रहा है। इस दौरान फरवरी माह में अब तक कुल 1592 बकायेदारों का बिजली कनेक्शन काटा गया है। उन्होंने यह भी बताया कि विद्युत अवर प्रमंडल नवगछिया एवं बीहपुर के सहायक अभियंता को सख्त निर्देश दिया गया है कि 2 माह से बकाया विद्युत बिल बकायेदारों का बिजली कनेक्शन काट दिया जाए। इसके साथ ही कार्यपालक अभियंता ने यह भी बताया कि बिजली बिल जमा करने के लिए उपभोक्ताओं की सुविधा हेतु रविवार को भी बिजली बिल जमा काउंटर खुला रहता है। बिहपुर सोनवर्षा में 2 दिवसीय इंटर स्टेट वॉलीबॉल चैंपियनशिप। बिहपुर के सोनवर्षा गांव में नवगछिया पुलिस जिला वॉलीबॉल संघ के बैनर तले व ग्रामीण समाज सेवी उत्तम कुमार के संयोजन में होने वाले इंटर स्टेट वॉलीबॉल चैंपियनशिप का शनिवार को मुख्य अतिथि भागलपुर पूर्वी प्रक्षेत्र DIG सुजीत कुमार दिन के 10:30 बजे उद्घाटन करेंगे। मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में TMVU भागलपुर के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर संजय कुमार चौधरी, प्रोटेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर रतन मंडल व नवगछिया पुलिस जिला के SP सुशांत कुमार
ओझाधी होंगे। संयोजन उत्तम कुमार समेत, आयोजन समिति अध्यक्ष सुधांशु कुमार, उपाध्यक्ष प्रोफेसर गौतम एवं नौगछिया, पुलिस जिला बॉल जिला वॉलीबॉल संघ के कार्यकारी सचिव सह आयोजन सचिव नीलेश कुमार सहित कई अन्य उपस्थित रहेंगे। नवगछिया उपेंद्र हत्याकांड के मुख्य आरोपी फूदल मंडल और शिवनंदन मंडल गिरफ्तार। नवगछिया के इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के केलाबारी में किसान उपेंद्र मंडल हत्याकांड के मुख्य आरोपी मृतक के भाई अशोक कुमार मंडल उर्फ फूदल मंडल और छोटी पर्वता निवासी शिवनंदन मंडल को इस्माइलपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस्माइलपुर पुलिस ने छोटी पर्वता से हत्याकांड के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस कार्रवाई के दोनों के पास से एक देसी पिस्तौल, एक विंडोलिया और 14 गोली बरामद किया है। नौगछिया एसडीपीओ दिलीप कुमार ने बताया कि हत्याकांड के दोनों आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया, नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था, मीट मुर्गा मछली अंडा सहित सादा भोजन, रोटी चावल पनीर तड़का दही कोल्ड ड्रिंक ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां है आपके उत्सव मनाने का संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है एसी नॉन एसी कमरे, मंडप बुफे काउंटर, हाई टी डीसी फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क करें 9661904817799249981। स्थानीय विवाह भवन 0 माइल NH31 नवगछिया, शादी विवाह सालगिरह रिंग सेरेमनी जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल ताकि अंदर से लें बाहर की खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632, 9534316464, 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन। सुंदरम अहुना मटन, बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट, अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन, नवगछिया स्टेशन चौक राजेंद्र कॉलोनी मोड़ नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारें। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। 10वीं-12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BTech, BCA, BBA पॉलिटेक्निक मिले नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680, 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। खुल गया आवासीय स्कूल ऑफ एक्सलेंस, फुलडोभी गेराबाड़ी कटिहार, नियर वासंतिक नवरात्र मंदिर, राजपूत मंदिर। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित 25 दिसंबर से नामांकन प्रारंभ है। कक्षा प्री नर्सरी से 8वीं तक रहने खाने पढ़ने सहित कंप्यूटर एवं अंग्रेजी स्पोकन की विशेष व्यवस्था। संपर्क करें रणवीर कुमार झा 8051550121, AK झा 9472833513।